हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने आज है कॉन्टिनेंटल GT 650 और रेड शेड में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग देख सकते हैं कुछ एसेसरीज भी लग रखी है। आप लोग देख सकते हैं वाइजर लग रखा है, ये प्रोटेक्टर लग रखा है, ये रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल वो लग रखे हैं। बहुत महंगे आते हैं ये और बहुत स्टेडी हैं गाइस ये हाई स्पीड में भी। उसके बाद ये गाइस मोटो टॉर्क का एग्जॉस्ट लग रखा है, देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जैसे छोटा सा क्लैंप मेरी एमटी में है वैसी दे रखा है और सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि बीच का जो वो है कनेक्शन को छुपाने के लिए, मतलब जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जो पॉइंट जिसमें जुड़ रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है GT 650 ट्विन। यहाँ पे सीट कॉल लग रखा है, पीछे ने स्टॉक कर रखी है, स्टाडी गार्ड वगैरह सब लग रखा है। एक बार इसकी आवाज़ सुनाते हैं आप लोगों को, इसका मीटर एक बार चला के दिखा दूँगा। गाइस बहुत ज़्यादा प्यार लगता है, खाली 1430 चली हुई है, बहुत कम चली हुई है। आवाज़ सुनिए गाइस, बहुत भारी है। तो गाइस ये प्योर साउंड वाली आवाज़ में तो मज़ा ही आ जाएगा इसमें देखने के। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है, बस एंगल सही आए। तो गाइस चलते हैं, एक पुल लेके भी देखेंगे। भाई साहब पता नहीं चला कब 120 चली गई। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना प्यारी आवाज, तो भाई वो है। तो ट्विन है, आपको पता ही है ट्विन की तो आवाज़, चाहे वो KTM बोल रहा हूँ, भाई KTM में ट्विन आता नहीं है, कावासाकी हो गई, उसका भी आपने ट्विन सुना, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग नहीं देखी तो आई बटन पर आ रही होगी, देख लेना। तो उसकी भी आवाज़ सुन रखी है भाई, कितनी प्यारी है। ये तो GT है, इसकी तो भाई बहुत सारी चीज़ आ गई। गाइस ग्रिप भी लग रखे हैं, ये लेदर ग्रिप्स होते हैं भाई। इसके चीज़ें आजकल मैंने देखा गाइस, कोर्सिक्स का ट्यून है इसमें स्टेज 2 और वो पॉप्स एंड बैंग्स हैं भाई। वो वर्थ लगा भाई मेरे को, अगर वो किसी ने करा लिया भाई, पटर 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 जो मेरी एमटी में स्टॉक में आती है वो इसमें हो जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी प्यारी स्टेज 2 और प्लस BHP बढ़ेगा, उसमें टॉर्क भी बढ़ेगा, तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी भाई कि कंपनियाँ कर रही है। और रॉयल एनफील्ड के लिए मैंने देखा भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, इसका कवर भी आता है, 10 तरीके की चीज़ आती है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ इंडियन ब्रांड होने के बाद भी लोग इसके लिए चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियन ब्रांड के लिए उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, उस हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा प्यार लग रही है भाई, मेरे को लग रहा है कहाँ पर रही है भाई, पता नहीं क्यों ये इशू आ रहा है। जो भी मैं बाइक चला रहा हूँ हल्की हल्की से, मेरे को लग रहा है ये हो सकता है रोड के चक्कर में, वो भी हो सकता है। अभी 6 गियर में डाउन शिफ्ट करूँगा, आवाज़ सुनेगा। अरे लियो फोर्थ, तीसरा, आवाज़ कितनी ज़्यादा प्यारी आ रही है गाइस। इसमें लगा हुआ मोटो टॉक एग्जॉस्ट, जैसे मैंने आपको आवाज़ सुनाई, तो जो पिछली बार था, जो पिछली वाली जो आपने देखी थी, जो वाइट कलर की GT थी, उसमें गुरसेवक लगा हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा भारी थी। इसकी आवाज़ ज़्यादा मतलब तीखी है और लाउड भी है। गाड़ी पीछे इसका डायरेक्ट कंपैरिजन जाता, मतलब आजकल आप लोगों ने रील देखी होगी, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन जाता है RC390 का, बट इसमें एरर है, स्पीड एरर है भाई। देखो काफी बबल आया, आवाज ही इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार, पटाखे ही मारती है। तो
गाइस का डायरेक्ट कंपैरिजन जाता है आरसीसी 90 को, क्योंकि वो भी सिंगल सिलेंडर है, वो भी 180 आती है, ये भी 180 आती है, और कुछ कुछ आपने ड्रैग में देखा होगा कि ये आगे निकल जाती है। ऐसा है भी क्योंकि यार देखो 650 है, ठीक है, ऊपर से ट्यून है, तो वो पावर कुछ एक्स्ट्रा तो देखो इसमें है ही, जो मेरे को लगती है। बट इसमें एरर भी है, स्पीड एरर है अच्छा खासा, KTM में कभी स्पीड एरर नहीं देती। एक बार इसे पुल लेके भी देखेंगे, भाई रोड ही खराब हो रखा गाइस यहाँ पर, उसके लिए वेरी सॉरी गाइस। अब क्या करें, हमारे बरेली में रोड ही नहीं है भगाने के लिए। एक पुल लेके देखें, चलो रेडी 3 2 1। गाड़ी अपनी जगह मेरे को सही लगती है, क्योंकि इसकी आवाज़ भाई, इसकी आवाज़ लोग दो बार घूम के देखेंगे, ऐसी आवाज़ है इसकी, बहुत प्यारी। ऊपर से ये मिरर देख सकते हैं गाइस, स्टॉक है, कांप नहीं रहे हैं। अगर कोई भी आफ्टर मार्केट लगाओगे ना आप, तो अलग ही कांपते हैं। बस ये दो तीन चीज़ें हैं गाइस की, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह नहीं है तो वो चीज़ लगती है, बाकी सब ठीक है। और इसका RPM भी गाइस 7.5 ज़्यादा, लास्ट 7.5 पे लिमिटर हिट करता है, तो वो चीज़ है, बाकी सब सही है। बट ये है गाइस, सिर्फ 650 होने के बाद भी ये भारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो 390 को कंपेरिजन इसलिए दे रही, क्योंकि 390 में सबसे मतलब लाइट भी है और ऊपर से सिंगल सिलेंडर, आप लोगों को पता है बीस्ट है वो, तो सारी चीज़ें हैं, ये भारी बहुत है। इसको कॉर्नरिंग करने में भाई जान लगेगी। मैं अभी हम लोग गए थे, लास्ट गए थे मुकेश में, तो GT650 आई थी हमारे साथ साकेत भैया की, तो वो भाई अलग ही लेवल, मुझसे तो चला ही नहीं गई सही बताऊँ भाई, क्योंकि मेरे को इतनी भारी गाड़ी चलाने की आदत ही नहीं है, मैं कहाँ MT और KTM चलाने वाला बंदा। उसके बाद मैंने जब वो चलाई भाई, इतनी ज़्यादा भारी लग रही थी वो, मेरे को क्या बताऊँ भाई। तो एक मतलब इसका वो क्या डाउन साइड है कि भारी बहुत है, लेकिन उस हिसाब से इसका टॉर्क भी है। तीसरे गियर लगी ना, ये रेड शिफ्ट के साथ भाई प्यारी लगती है यार, ये सामने से देखोगे ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इसके बहुत सारे कलर आ रखे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर है भाई। तो ये चीज़ है कि कंपनी ध्यान दे रही है आप लोगों को, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। और मेरे ख्याल से मेंटेन करना भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा भारी नहीं है इसमें, तो आप इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से 2023 में वर्थ है भाई लेना, अगर कोई चाहता है और आराम से आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है। टूर करा उन्होंने, वो लंबा जाते भी रहते हैं, तो बढ़िया गाड़ी है। बाकी आप लोग बताइएगा इस, आप इसे लेना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मैं हर बार पूछता हूँ, क्योंकि देखो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को 650 बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्रीम बाइक है, तो सबका अपना अपना है, कुछ कह नहीं सकते। और सुंदर बहुत है भाई, मेरे को सुंदर लगी। तो गाइज़ आप लोग बताइए, आप लोगों को आवाज़ कैसी लगी और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। देखो ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं, मेरे को मेन दिखानी चला के, तो वो मैंने आपको दिखाई। बाकी चलिए इस वीडियो में रखते हैं, मिलता हूँ उसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।